जा रही फ्लाइट पर आपका स्वागत है। जय श्री राम। वो घड़ी आ गई जब मुझे और हलीमा को अयोध्या घूमने का मौका मिला। राम जी के मंदिर में हाजिरी दी और राम जी से मुलाकात हुई। एक बहुत ही तारीखी शहर अयोध्या की यात्रा हुई। अयोध्या स्पिरिचुअलिज्म, हिस्ट्री और अपनी हॉस्पिटैलिटी से भरा हुआ शहर है। जब हम अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे तो हमें उस धरती की महक ने आन लपेटा। एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सूरत हाल थी। मैं रितेश मलिक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मेरा और हलीमा का अयोध्या का पूरा ट्रिप अरेंज किया और खुद भी साथ थे, अपने दोस्तों के साथ थे, विशाल जी, अमित जी, सुरेश जी, अमित जी। तो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, एक बहुत ही बढ़िया शहर। मुझे अयोध्या की सैर करते हुए यूं लगा कि जैसे मैं कई सदियां पहले पहुंच गया हूं, और कई सदियों पहले पहुंचने की फीलिंग के साथ साथ आज का मॉडर्न समा भी साथ साथ चल रहा था। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस कैफियत को, उस सिचुएशन को ठीक से बयान कर सकूं जो हमें अयोध्या यात्रा के दौरान मिली। तो हम अयोध्या के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं और इस वक्त हम लाउंज के अंदर खड़े हैं दोस्तों के साथ, और ये एक काफ़ी इमोशनल सीन है। बहरहाल अयोध्या एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है, अराइवल लाउंज है, बहुत ही खूबसूरत है, नया बना है और भारत का नया वेटिकन शहर बिलाशुबा एक बहुत ही लैंडमार्क किस्म का शहर है और हम सब इस वक्त अयोध्या के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जी, क्या फील कर रहे हैं, जरा एक दो शब्द कहिए। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। राम जी की नगरी में आकर, अयोध्या जी में आकर दर्शन करेंगे हम रामलला के आज, और सफल हो गया जीवन। क्या बात जी, आप भी बताइए क्या फीलिंग है आपकी। एक्साइटमेंट है प्रभु राम के दर्शन करने की, और सभी भाइयों के साथ आए हैं तो ज़रूर प्रभु राम के जो दर्शन होंगे उससे हमारी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इतना सुंदर एयरपोर्ट नया बना है और एक्साइटमेंट है। यस, नए एयरपोर्ट में पुरातन की जो छाप है उसकी खुशी है। बिल्कुल, उसकी खुशी है। और वो देखिए कितना खूबसूरत आर्ट वर्क है। एयरपोर्ट अपने आप में एक मंदिर की तरह है। मंदिर तो है ही है, बट एयरपोर्ट अपने आप में एक मंदिर का पूरा शहर ही मंदिर है स्वरूप दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, पूरा शहर ही मंदिर है, पूरा शहर ही मंदिर है। सबसे पहले हम राम जी के दर पे गए और उनसे मुलाकात की, दिल की बातें की। हजारों बल्कि लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे। रितेश जी की वजह से हमारा राम जी के साथ जो मुलाकात का सफ़र था वो ज़रा आसान हो गया, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि राम जी का बुलावा था जो हम वहाँ गए, वरना हम जा ही नहीं सकते थे। तो जिस तरह मंदिर के अंदर लोग वलवले के साथ मौजूद थे, मंदिर के बाहर हजारों नहीं लाखों की तादाद में लाइनें लगी थी, और हमें बताया गया कि आजकल 5 लाख के करीब यात्री अयोध्या जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। बड़ा एक ऐसा खूबसूरत मंजर था
हमारे अपने सनातनी धर्म का नया वेटिकन बन गया है, राम जी की जन्म भूमि की जगह पर बना है, राम जी के शहर में बना है। और राम जी का ये शहर जिसमें सरयू नदी भी जाती है, जिसका सरयू घाट है, वहाँ पर भी हम गए और उसका जो पवित्र पानी है वो भी हमने छुआ। और रितेश जी ने उस पवित्र पानी के हम पर कुछ छींटे भी ब्लेस किए। थैंक यू पवित्र सरयू का नदी का पानी बहुत बढ़िया, अयोध्या धाम से बहुत बढ़िया ब्लेस्ड। और उसी मुकाम पर लता मंगेशकर चौक भी बना है और एक खूबसूरत सितार लता मंगेशकर की याद में वहां पे लगा है। भारत एक ऐसी खूबसूरत सिविलाइजेशन है, एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसमें आर्ट और म्यूजिक उसका इंटेग्रल पार्ट है। हमारे सनातनी धर्म की खूबी ही यही है कि इसमें इनहिबिशंस नहीं, इसमें जिंदगी की सेलिब्रेशंस हैं, इसमें जिंदगी की रंगारंगी है, इसमें म्यूजिक है, आर्ट है, क्या कुछ नहीं है। और राम जी की आप रामायण को याद कीजिए, उस रामायण में क्या कुछ नहीं है, एक पूरी जिंदगी है। अयोध्या की गलियों में पैदल चलते हुए, नंगे पांव चलते हुए हमें एहसास हो रहा था कि जैसे हम रामायण के उस जमाने में पहुंच गए हैं जब श्री लॉर्ड राम जी तख्त पर विराजमान थे। और वो सारे का सारा माहौल, वो सारे का सारा मंजर मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा था कि खुद मैं लॉर्ड राम के बनाए हुए शहर लाहौर में पैदा हुआ था। तो मेरी राम जी के साथ जो दिली वाबस्तगी है वो तो वैसे ही उनके बनाए हुए शहर में रहने की वजह से है। और अब ये खुशकिस्मती थी कि मैं उन्हीं के शहर, उन्हीं की जन्मभूमि की जगह पे मौजूद था। आप अंदाजा कीजिए, 4-5 लाख विजिटर्स उस रोज भी थे जिस रोज मैं अयोध्या था। और बताया ही जाता है कि इतना ही नंबर ऑलमोस्ट हर रोज वहां पहुंच रहा है। तो 4-5 लाख विजिटर्स के साथ अयोध्या और आसपास के शहरों के लाखों लोग एक ऐसे हजूम की सूरत में थे जिन्होंने शहर में फेस्टिवल लगा दिया था। हम तो शहर में एक दिन के लिए थे मगर उस शहर में फेस्टिवल और मेला हर रोज लगा हुआ है। राम जी के उस शहर में वापस आ जाने से अब ये हुआ है कि वो शहर एकदम से तरोताजा हो गया है, आबाद हो गया है। आप झलकियां देख रहे होंगे मेरे इस व्लॉग के साथ साथ कि किस तरह इस शहर में फेस्टिविटीज का एक माहौल है। ये क्लिप्स मैंने और हलीमा ने रिकॉर्ड किए पैदल चलते हुए, गाड़ी में बैठे हुए। और फिर जो कमाल की बात हुई, हम इसी राम मंदिर से नंगे पैर चलते हुए श्री हनुमान गढ़ी मंदिर तक पहुंचे। वहां पर भी हजारों लोग एक वक्त में लाइन लगाए खड़े रहते थे। रितेश जी की मदद से हमें यह सहूलत मिली कि हम भी एक लाइन में ऊपर पहुंचे और श्री हनुमान के दर पे पहुंचे और वहां पे उनके दर्शन किए, माथा टेका और बहुत ही आनंद लिया। मैं बता नहीं सकता कि ये कैफियत कितनी भरपूर कैफियत थी और ये शहर कितना खूबसूरत शहर है, सुंदर शहर है।
इस शहर में तो राम जी के मंदिर से लेके सरयू नदी तक पैदल चलना चाहिए और ऑलमोस्ट हमने यही किया। क्या लुत्फ था, क्या मजा था, बता नहीं सकते। हम सरयू नदी में खड़े हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है ये शहर और इसमें की गई तमाम तर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर से लेके मंदिरों का एक पूरे का पूरा जाल है जो अपनी कंस्ट्रक्शन में इंतहाई हसीन। अगर आपने सही इंडियन कल्चर को देखना है और उसकी सही एक वाइब लेनी है तो आप यहाँ ज़रूर तशरीफ लाइए। आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के किस कदर खूबसूरत जाविये हैं जो कि री इन्वेंट किए जा रहे हैं। वो पुरानी रवायात जो यहाँ से मुंसलिक थी वो दोबारा से लाई जा रही हैं। बहुत सीन सिटी फुल ऑफ कल्चरल वाइब्स, फुल ऑफ पीपल, फुल ऑफ बैशिंग एनर्जी अराउंड यू, यू विल फील रियली। ये शहर अब तेजी से आबाद हो रहा है और कंस्ट्रक्शन हर तरफ बेपनाह हो रही है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगले 2-3 वर्षों में ये शहर भारत का वेटिकन शहर होगा। ऑलरेडी इसमें वेटिकन शहर की अपनी पूरी की पूरी फीलिंग आ चुकी है और हमारी अपनी सनातनी तहजीब का एक ऐसा शहर हमें आज के मॉडर्न जमाने में चाहिए था, वैसा ही शहर जो लॉर्ड राम के जमाने में था। अब वो शहर आज की 21वीं सदी में आगे फलता फूलता नजर आ रहा है और इस शहर की जो वाइब्रेशन है, इस शहर और इस शहर के जो बाजार है, इस शहर की जो गलियां हैं, इस शहर की जो नदी है, इस शहर के जो मंदिर हैं, इस शहर के जो गली कूचे हैं, ये सब के सब महके हुए हैं, चहक रहे हैं और फूलों की खुशबू से ये शहर महक रहा है। जय श्री राम। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.